गुड मॉर्निंग फोक्स। हफ्ते का पहला दिन, देखते हैं कैसी रहेगी आज मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस्ड साइड पे दिखाई दे रहा है। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स ने थोड़ी सी हलचल दिखाई है, बट यूएस मार्केट अपना कंट्रोल में क्लोज हुए हैं एक दिन पहले, राइट। और यूएस बॉन्ड यील्ड्स 3.74 पे दिखाई दे रही है, न्यूट्रल है, बट इट इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया विक्स भी जो है 12.79 के ऊपर कंट्रोल्ड दिखाई दे रहा है एंड गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। क्रूड ऑयल ने भी जो है एकदम कंट्रोल्ड वे में अभी तक परफॉर्म किया है, आज थोड़ा गिर के परफॉर्मेंस कर रहा है, विच इज़ गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट जो लास्ट डे का परफॉर्मेंस है या फिर पिछले पूरे वीक का परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से हम इसे बुलिश साइड पे रख रहे हैं। और अब देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स निफ्टी फ्यूचर को कहाँ पे ट्रेड करें। निफ्टी फ्यूचर का एक दिन पहले का हैंडओवर रहा 25,767 के ऊपर। रुकावट आने का सिर्फ एक ही जो है रेंज है वो है 25,798। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 25,552, 25,418 से 25,398 और 25,301 के ऊपर। बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक दिन पहले का हैंडओवर रहा है 53,550 और रेजिस्टेंस फिर एक ही है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई पे जो है इंडियन मार्केट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं और वो रुकावट आने का जो आशंका है वो है 53,643 के ऊपर। और सपोर्ट एरियाज रहेंगे 53,286, 52,661 और 51,970 के ऊपर। और हाँ, आज क्योंकि मंडे है तो हम लाए हैं आपके लिए एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया, जहाँ पे हम बाई करके चलेंगे अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर लेवल्स को। करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 7,094, इसके आसपास हम बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इसका होगा 6,725 डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। और टारगेट हमारा रहेगा 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 7,850 रुपए का, राइट। ट्रेडिंग बायस मीटर क्या कहता है? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एज ऑलवेज दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। जो भी लेवल्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं उन लेवल्स के हिसाब से जहाँ पे भी आपका प्राइस एंड एक्शन आ रहा हो, जहाँ पे भी आपके अंडरलाइन का प्राइस आ रहा हो, अगर नीचे से ऊपर हिट कर रहा है तो शॉर्ट साइड पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे, और अगर ऊपर से जो है लेवल्स को हिट कर रहा है तो वो सपोर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशन बना के चलेंगे। और पोजिशनल ट्रेडर्स बुलिश साइड पे रहेंगे, अभी शॉर्ट करने का मौका नहीं है। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शारदा। थैंक यू।